हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। टुडे वी आर गोइंग टू टीच यू क्लास 7th एंड 8th मैथमेटिक्स एंड आवर चैप्टर्स नेम रेशनल नंबर। एंड टुडे टॉपिक इज रिप्रेजेंटेशन ऑफ रेशनल नंबर ऑन नंबर्स लाइन। इट मींस हम लोग नंबर लाइन पे रेशनल नंबर को कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, कैसे शो करेंगे, इसके बारे में स्टडी करेंगे। लुक हियर, फर्स्ट वी ड्रा ए स्ट्रेट लाइन। सबसे पहले हम लोग एक स्ट्रेट लाइन ड्रा करेंगे विच इज एक्सटेंडेड इनफाइनेटली। लुक हियर, इट इज एरो हेड। अंडरस्टैंड? हियर फर्स्ट वी टेक ए पॉइंट इन द मिडिल दैट इंडिकेट्स ओ एंड इट इज रिप्रेजेंटेड बाय जीरो। हियर जीरो ओ, ये मिडिल में हम लोग पॉइंट लेते हैं। सबसे पहले यहां पे हमको जीरो को हम लोग, ये इनिशियल पॉइंट होता है, इसलिए इसको हम लोग ओ से रिप्रेजेंट करते हैं। और इसके अपोजिट, इसके राइट हैंड साइड, जीरो से राइट हैंड साइड में हम लोग पॉजिटिव इंटीजर्स को, पॉजिटिव इंटीजर्स या पॉजिटिव रेशनल नंबर को रिप्रेजेंट करते हैं। पॉजिटिव इंटीजर्स या पॉजिटिव रेशनल नंबर को रिप्रेजेंट करते हैं। और जीरो से लेफ्ट हैंड साइड में हम लोग निगेटिव इंटीजर्स, निगेटिव इंटीजर या निगेटिव रेशनल नंबर को हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं। अंडरस्टैंड? और यहां पे जितने भी पॉजिटिव इंटीजर्स होते हैं, सभी ऑल पॉजिटिव इंटीजर्स इज ग्रेटर देन ऑल निगेटिव इंटीजर्स। निगेटिव इंटीजर्स से सभी पॉजिटिव इंटीजर्स जो होते हैं वो ग्रेटर होते हैं। यहां तक कि निगेटिव इंटीजर से जीरो भी ग्रेटर होता है। जो ये जीरो निगेटिव, जितने भी निगेटिव इंटीजर्स होते हैं उनसे ये ग्रेटर होता है। अंडरस्टैंड? अब यहाँ पे हम लोग जब स्ट्रेट लाइन ड्रा करेंगे तो यहाँ पे हम लोग मार्किंग करते हैं। अब मार्किंग करेंगे तो मार्किंग करने में आपको ध्यान देना होगा कि ये जो आप डिस्टेंस ले रहे हैं, यूनिट सेटअप करते हैं, यहाँ पे हम लोग ये मार्किंग जो करते हैं तो ये सेटअप करेंगे। ये जो यूनिट, ये जो डिस्टेंस होना चाहिए इसके, जैसे ओ और ए के बीच, ए या बी, बी या सी, सी एंड डी, डी एंड डी, ये डिस्टेंस आपकी यूनिट होनी चाहिए, इक्वल होनी चाहिए। टू कॉन्सिक्यूटिव मार्किंग हैविंग सेम डिस्टेंस, इनको हम लोग सब डिवीजन भी बोलते हैं। इसको सब डिवीजन भी बोलते हैं। इनके बीच की जो डिस्टेंस होनी चाहिए सेम होनी चाहिए आपको, चाहे वो पॉजिटिव इंटीजर्स, टू कॉन्सिक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर्स कंसीडर करिए या टू कॉन्सिक्यूटिव निगेटिव इंटीजर्स, जैसे जीरो से -1, -1 से -2, -2 से -3, ये जो डिस्टेंस होनी चाहिए ऑल इक्वल होनी चाहिए। इनकी डिस्टेंस क्या होनी चाहिए? इक्वल होनी चाहिए। अंडरस्टैंड? अब यहां पे हम लोग सबसे पहले एक नंबर लाइन हम लोग कंसीडर करते हैं और उसको कैसे नंबर लाइन को रिप्रेजेंट करेंगे इसके बारे में स्टडी करेंगे। लुक हियर, रिप्रेजेंट 3/5 एंड -3/5 ऑन नंबर लाइन। ये रेशनल नंबर दिया गया है 3/5 एंड -3/5, इसको हम लोग नंबर लाइन पे कैसे रिप्रेजेंट करेंगे। तो यहां पे देखिए 3/5 एंड -3/5, दैट इज पॉजिटिव रेशनल नंबर एंड इट इज निगेटिव रेशनल नंबर। यहां पे हम सबसे पहले कंसीडर करेंगे जीरो इन द मिडिल, मिडिल में हम लोग जीरो लेंगे, इसको ओ से इंडिकेट करते हैं। ओरिजिन, ओरिजिन का मतलब होता है जहां से उत्पत्ति होती है, स्टार्टिंग होती है, इनिशियल पॉइंट, तो यहां ओ से रिप्रेजेंट करेंगे। और उसके बाद यहां से जीरो से हमने एक वन मार्किंग किया, वन इन द मार्किंग, टू हियर इन द पॉजिटिव डायरेक्शन ऑन द लेफ्ट हैंड साइड, सॉरी राइट हैंड साइड, एंड अनदर मार्किंग हियर ए डैश, हियर बी डैश, -1, इट रिप्रेजेंट -1 एंड -2। अब यहां पे हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले हम यहां पे देखते हैं डिनोमिनेटर, डिनोमिनेटर देखते हैं, दिए गए रेशनल नंबर का डिनोमिनेटर देखते हैं। डिनोमिनेटर हमारा कितना, दोनों रेशनल नंबर, पॉजिटिव रेशनल नंबर नेगेटिव, दोनों का डिनोमिनेटर 5 है, दोनों का डिनोमिनेटर क्या है 5 है। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे करेंगे क्या, अब एक बात ध्यान दीजिए, जैसे हम लोग प्रीवियस क्लासेस में आप लोग पढ़ चुके हैं फ्रैक्शन के बारे में,
तो फ्रैक्शन में आपका प्रॉपर फ्रैक्शन, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, यूनिट फ्रैक्शन, मिक्स फ्रैक्शन के बारे में पढ़े होंगे। उसमें आपका प्रॉपर फ्रैक्शन और एंड इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, यहाँ पे देखिए 3/5 या -3/5 ये प्रॉपर फ्रैक्शन है। तो जितने भी प्रॉपर फ्रैक्शन की प्रॉपर फ्रैक्शन होते हैं उनकी वैल्यू, प्रॉपर फ्रैक्शन का आइडेंटिफिकेशन क्या है, डिफिनेशन, इट्स न्यूमरेटर इज ऑलवेज लेस देन इट्स डिनोमिनेटर। किसी भी दिए गए फ्रैक्शन का अगर न्यूमरेटर उसके डिनोमिनेटर से छोटा होता है, अगर न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से अगर छोटा होता है तो दैट फ्रैक्शन इज कॉल्ड प्रॉपर फ्रैक्शन, उस फ्रैक्शन को हम लोग प्रॉपर फ्रैक्शन कहते हैं। ये प्रॉपर फ्रैक्शन है, ये भी प्रॉपर फ्रैक्शन है लेकिन निगेटिव साइन, यहाँ पे क्या है, निगेटिव साइन है। देखिए ये जो निगेटिव साइन है ये 0 से -1 के बीच में, इसकी वैल्यू कंसिडर हम लोग ये इसको जब रिप्रेजेंट करेंगे तो ये 0 से -1 के बीच में वैल्यू आएगी, और जो पॉजिटिव ये आपका फ्रैक्शन है इसकी वैल्यू 0 से +1 के बीच में आएगी। अब यहाँ पे ये ध्यान देने वाली बात है कि जितने भी प्रॉपर फ्रैक्शन होते हैं उनकी वैल्यू ऑलवेज 0 से 1 के बीच में आती है। जितने भी प्रॉपर फ्रैक्शन होते हैं उनकी वैल्यू जो होगी वो 0 से 1 के बीच, देखो 0 एंड 1 मिडिल, इसके मिडिल में, इसके मिडिल में आएगी वैल्यू, 0 और 1 के बीच में ही इसकी वैल्यू आएगी। जितने भी प्रॉपर फ्रैक्शन होते हैं वो डेसिमल में, जैसे डेसिमल में भी वैल्यू आएगी तो ऐसे 0.2, 0.3, 0.4, 0.5 या आपके, अब ये कितने प्रॉपर नंबर ऑफ प्रॉपर फ्रैक्शन, प्रॉपर फ्रैक्शन कितने दो, तो प्रॉपर फ्रैक्शन की जो संख्या होती है वो इनफाइनाइट होती है, अनंत होती है, लेकिन उनकी जो वैल्यू आएगी वो वैल्यू ऑलवेज 0 से 1 के बीच में ही आती है। जितने भी प्रॉपर फ्रैक्शन होंगे उनकी वैल्यू 0 से 1 के बीच में आएगी। तो यहाँ पे 3/5 ये पॉजिटिव है तो इसको जब हम लोग, इसकी वैल्यू हमेशा 0 से 1 के बीच में ही, जितने भी प्रॉपर फ्रैक्शन आप कंसीडर करेंगे इसकी वैल्यू हमेशा 0 से 1 के बीच में आएगी। और यहाँ पे निगेटिव है, निगेटिव है साइन है, -3/5 है तो इसकी वैल्यू 0 से -1 के बीच में आएगी। अंडरस्टैंड? तो यहाँ इसको हम लोग कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, सबसे पहले देखेंगे यहाँ पे कंसीडर करेंगे डिनोमिनेटर, डिनोमिनेटर 5 है तो यहाँ पे हम लोग, अब ये तो हमें क्लियर हो गया कि इसकी वैल्यू जो आएगी 3/5 की 0 और 1 के बीच में हुई में कहीं पे होगी, और -3/5 की वैल्यू 0 एंड -1 के बीच में कहीं पे होगी। तो अब यहाँ पे हम लोग करेंगे क्या, सबसे पहले कि डिनोमिनेटर 5 है तो यहाँ पे हम लोग 5 सब डिविजन हमें चाहिए, डिनोमिनेटर 5 है यहाँ पे तो 5 हमें सब डिविजन, सब डिविजन देखिए यही होता है सब डिविजन, ये 1, 2, 3, 4, 5 सब डिविजन, 5 सब डिविजन के लिए इसमें हम लोग 4 मार्किंग करेंगे। कितनी मार्किंग करेंगे, कितने बीच में पॉइंट लाइन ड्रा करेंगे आप, 4 लाइन ड्रा करेंगे, जितना डिनोमिनेटर होगा उससे 1 लेस आप लाइनिंग ऐसे इन मिडिल 0 एंड 1 की मिडिल में लाइनिंग ड्रा करेंगे, पॉइंट आप मार्क करेंगे। अंडरस्टैंड? तो यहाँ पे हम लोग 4 मार्किंग करेंगे, 1, 2, 3, 4 हमें 5 सब डिविजन मिलेगा, 1, 2, 3, 4, 5। अंडरस्टैंड? उसी तरह यहाँ पे -3/5 के लिए, -3/5 के लिए भी हम लोग 4, डिनोमिनेटर 5 है तो 5 से 1 कम, यहाँ पे मार्किंग 4 मार्किंग करेंगे 0 से -1 के बीच में, 1, 2, 3, 4। यहाँ पे सब डिविजन कितना कंसीडर किए हम लोग, कितना मिलेगा, 1, 2, 3, 4, 5। अंडरस्टैंड? अब यहाँ पे हमारा जो पहला 0 के बाद जो पहली मार्किंग होगी वो होगी आपकी 1/5, सेकेंड 2/5, थर्ड 3/5, फोर्थ 4/5 और फिफ्थ जो होगा वो 5/5, 5/5 मीन्स 1, या 1। अंडरस्टैंड? और यहां पे देखिए नेगेटिव रेशनल नंबर, नेगेटिव रेशनल नंबर की यहां पे होगा आपका माइनस फर्स्ट 1/5, सेकेंड पॉइंट -2/5, थर्ड -3/5, फोर्थ -4/5 और यहां पे -5/5 = -1।
अंडरस्टैंड, तो हमें रिप्रेजेंट क्या करना था, 3/5, 3/5। ये पॉइंट आपको, इस पॉइंट को हम लोग डार्क करेंगे, ठीक है। यहाँ पे हम लोग पी दिखाएंगे, पी और -3/5 जो पॉइंट है ये यहाँ पे हमें कंसीडर हुआ मिला, इसको हम लोग पी डैश से दिखाएंगे। इस तरह से हम लोग इसको रिप्रेजेंट करते हैं नंबर लाइन, अंडरस्टैंड। अब नेक्स्ट यहाँ पे और टर्म्स को हम लोग इरेज, ये हमने आपको समझाने के लिए बताया, यहाँ पे आप केवल रिप्रेजेंट करेंगे 1/5, 2/5, 3/5, -3/5 हियर एंड हियर, 1/5, 2/5, 3/5। इस तरह से हम लोग यहाँ पे रिप्रेजेंट करेंगे, अंडरस्टैंड। नेक्स्ट क्वेश्चन, रिप्रेजेंट 22/7। रिप्रेजेंट 22/7 ऑन नंबर लाइन। लुक हियर, सबसे पहले हम लोग मिडिल में पॉइंट मार्क करेंगे, दैट इज 0, इंडिकेटेड बाय ओ, ओरिजिन, इट इज पॉइंट ओरिजिन रिप्रेजेंट बाय ओ, इट इज एक्सटेंडेड इनफाइनेटली। हियर वी कंसीडर प्लस वैल्यू, ये प्लस वैल्यू है, प्लस वैल्यू के लिए हम लोग 0 से राइट हैंड साइड की तरफ 1, 2, 3 +1, +2, +3 हियर +4 -1, -2, -3 हियर -4। लुक हियर 22/7। अब यहां पे हम देखेंगे डिनोमिनेटर, सबसे पहले ये हमारा क्या है, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। जब न्यूमरेटर आपका ग्रेटर हो एंड डिनोमिनेटर आपका क्या हो, लेस हो, तो ये दैट फ्रैक्शन, ए फ्रैक्शन हैविंग इट्स न्यूमरेटर इज ग्रेटर देन इट्स डिनोमिनेटर, दैट फ्रैक्शन इज कॉल्ड इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। जिस फ्रैक्शन का डिनोमिनेटर न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से ग्रेटर हो, तो वो फ्रैक्शन को हम लोग दैट इज कॉल्ड इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। अब इसको सबसे पहले हम लोग कन्वर्ट करेंगे मिक्स्ड फ्रैक्शन में, 22/7 को हम लोग, ये इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है, इसको मिक्स्ड फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे। तो यहां पे हम लोग डिवाइड करते हैं, न्यूमरेटर 22 को हम लोग 7 से पहले स्पेशली डिवाइड करेंगे, वी गेट 7 3 21, आफ्टर सब्सट्रैक्टिंग वी गेट हियर 1, 22/7 मीन्स आई यू कैन राइट थ्री होल 1/7। अब यहां पे देखिए 3 होल 1/7, इट मीन्स ये जो वैल्यू होगी 22/7 ये 3 से ग्रेटर है बट 4 से लेस होगा। किसी तरह अगर कहीं पे भी हमें इस तरह से लिखा गया है 5 होल 1/6, इट मीन्स ये वैल्यू जो होगी 5 से ग्रेटर, नंबर लाइन पे जब रिप्रेजेंट करेंगे तो ये वैल्यू 5 से ग्रेटर होगी, 5 होल 1/6, इट मीन्स ये वैल्यू 5 से ग्रेटर होगी बट 6 से स्मॉलर, 5 से ग्रेटर बट 6 से स्मॉलर। अगर कहीं पे ये 8 होल 2/3 अगर ये है लिखा गया, इट मीन्स ये वैल्यू आपकी 8 से ग्रेटर होगी बट 9 से स्मॉलर। उसकी नेक्स्ट जो आपका इंटीजर्स या इंटीजर्स होगा उससे ये स्मॉलर होगा, यानी 8 से ग्रेटर होगा बट 9 से स्मॉलर होगा। अगर कहीं पे आपका लिखा गया है 4 होल
3/4, इट मीन्स ये जो वैल्यू होगी 4 से ग्रेटर होगी बट 5 से स्मॉलर होगी। उसी तरह निगेटिव साइन में भी अगर माइनस साइन पुट अप है तो इट मीन्स माइनस फाइव होल 1/6 इस इट मीन्स ये जो वैल्यू आएगी 5 माइनस फाइव एंड माइनस सिक्स के बीच में, माइनस फाइव एंड माइनस सिक्स के बीच में ये जो वैल्यू आएगी अगर माइनस साइन है तो इट मीन्स ये वैल्यू माइनस फोर एंड माइनस फाइव के बीच में वैल्यू होगी। अंडरस्टैंड? इस तरह से हम लोग तो सबसे यहां पे हम ये वैल्यू आपकी 3 होल 1/7 इट मीन्स ये 3 और 4 के बीच में ये वैल्यू प्राप्त होगी। अब यहां पे हम लोग करेंगे क्या, हमें डिनोमिनेटर कंसीडर करेंगे। डिनोमिनेटर कितने क्या है आपका इसका यहाँ पे 7, तो यहाँ पे हम लोग 3 और 4 के बीच में हम लोग 7 हमें सब डिवीजन मिलना चाहिए। 7 टाइप सब डिवीजन प्राप्त करने के लिए हम लोग करेंगे क्या, 6 लाइन मार्क करेंगे, 6 मार्किंग यहाँ पे करेंगे। 3 और 4 के बीच में कितनी मार्किंग करेंगे, 6 मार्किंग करेंगे। अंडरस्टैंड? लुक हियर, 1 2 3 4 5 6 6 मार्किंग करेंगे यहां पे, ठीक है। तो हमें सब डिवीजन कितना मिला, लुक हियर 1 2 3 4 5 6 7 7 सब डिवीजन हमें प्राप्त हो गया। अब यहां पे जो पहला होगा पार्ट, ये 3 है, 3 के बाद जो पहला पार्ट होगा वो होगा 3 होल 1/7 पहला पार्ट हो जाएगा 3 होल 1/7 ये होगा 3 होल 1/7 दूसरा पार्ट होगा आपका 3 होल 2/7 फिर तीसरा जो पार्ट होगा 3 होल 3/7 फोर्थ जो पार्ट होगा 3 होल 4/7 इस तरह से हमें ये नंबर प्राप्त होगी। अंडरस्टैंड? तो हमें रिप्रेजेंट क्या करना था, 3 होल 1/7 इट मीन्स 22/7 लुक हियर, फर्स्ट पार्ट ही आपका इसको हम लोग डार्क करेंगे, ये पॉइंट इनिशियल पॉइंट, यहां पे हम लोग पॉइंट कंसीडर करेंगे ए एंड इट इज 22/7। इसी तरह अगर सभी जितने भी 0 से 1, 1 से 2 सबके बीच में कितने डिवीजन करेंगे हम लोग, 7 सब डिवीजन हमें मिलना चाहिए। 7 सब डिवीजन के लिए कितने पॉइंट मार्क, कितने लाइनिंग मार्क करें, कितने मार्किंग हमें करना पड़ेगा, लुक हियर 6 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 इक्वल होना चाहिए। ये जो सब डिवीजन हम कर रहे हैं इक्वल होना चाहिए सबके बीच की जो डिस्टेंस, यहां पे भी 1 2 3 4 5 6 अब यहां पे कंसीडर करिए तो यहां से ये देखिए आपका ये 0 है, पहला जो होगा हमारा 1/7 पहला जो होगा यहाँ पे 0 से 1 के बीच में 7 पार्ट किए, तो पहला जो पार्ट होगा जैसे हमें प्रॉपर फ्रैक्शन कोई दिखाना हो 1/7 या 2/7 या 3/7 तो हम लोग 0 से 1 के बीच, क्योंकि ये प्रॉपर फ्रैक्शन है, प्रॉपर फ्रैक्शन की वैल्यू 0 से 1 के बीच में ही होगी, तो यहाँ पे हम लोग इसको रिप्रेजेंट करेंगे तो 7 पार्ट, डिनोमिनेटर 7 है तो इसको 7 पार्ट में हम लोग डिवाइड करेंगे। अब पहला जो पार्ट होगा वो 1/7 लुक हियर 1/7 2/7 3/7 4/7 5/7 6/7 और एंड 7/7 7/7 मीन्स 1 फिर 8/7 हियर फर्स्ट 1/7 2/7 3/7 4/7 5/7 6/7 7/7 हियर फर्स्ट आफ्टर 1 8/7 8/7 9/7 10/7 11/7 12/7 13/7 हियर 14/7 14/7 इज 2 15/7 हियर फर्स्ट पॉइंट 15/7 16/7 17/7 18/7 19/7 20/7 21/7 थर्ड पॉइंट हियर 21/7 21/7 मीन्स 3 एंड नेक्स्ट पॉइंट 22/7 इट मीन्स यहां से भी हम लोग काउंट करते जा रहे हैं तो हमें ये जो मिला 22/7 तो इसलिए हम लोग इसको ऐसे पहले सबसे पहले इसको दिए गए इम प्रॉपर फ्रैक्शन है, अगर इम प्रॉपर फ्रैक्शन है तो उसको हम लोग कंसीडर
पहले चेंज करेंगे मिक्स फ्रैक्शन में, मिक्स फ्रैक्शन में चेंज करने के बाद हमें ये पता हो जाएगा कि ये रेशनल नंबर हमारा किन दो इंटीजर्स के बीच में आएगा। तो यहाँ पे हमें पता चला कि ये 3 और 4 के बीच में आ रहा है। तो 3 और 4 के बीच में हमें, अब यहाँ पे हम डिनोमिनेटर देखेंगे, डिनोमिनेटर हमारा क्या है आपका 7 है, तो 7 डिनोमिनेटर है तो हमें 3 और 4 के बीच में 7 सब डिवीजन मिलना चाहिए। 7 सब डिवीजन लाने के लिए हम लोग कितने पार्ट करेंगे, यहाँ पे 6 मार्किंग करेंगे, कितनी मार्किंग करेंगे 6 मार्किंग करेंगे, उससे 1 कम मार्किंग करेंगे तो हमें 7 सब डिवीजन मिलेगा। पहला जो पार्ट होगा वो हो जाएगा आपका 3 होल 1/7, दूसरा जो पार्ट होगा 3 होल 2/7 होगा, तीसरा जो पार्ट होगा 3 होल 3/7 होगा। इसको दूसरे रूप में हम लोग लिख सकते हैं 22/7, 23/7, 24/7, ऐसो वन इसी आर्डर में और भी, ठीक है। इस तरह से हमें यहाँ पे हमने रिप्रेजेंट किया है, इसको हम लोग मार्किंग कर देंगे, इसको हम लोग एक पॉइंट यहाँ पे लिख देंगे ए, इस तरह से हम लोग इसको रिप्रेजेंट करेंगे। उसी तरह अगर माइनस साइन होता तो माइनस साइन हमारा क्या होगा, अगर यहाँ पे माइनस साइन होता -22/7 होता तो ये वैल्यू हमारी किसकी किसकी बीच में आती है, इसका वैल्यू हो जाता -3/7, तो ये -3 और -4 के बीच में, इन दोनों के बीच में -3 और -4 के बीच में ये वैल्यू आती है। तो यहाँ -3 और -4 के बीच में हम लोग 7 जितना डिनोमिनेटर उतने सब डिवीजन प्राप्त करेंगे, यानी 6 मार्किंग करेंगे, और पहले जो मार्किंग होगी 3 के बाद पहले जो मार्किंग होगी वो हो जाएगी -3 होल 1/7। इस तरह से हम लोग किसी भी नंबर्स को, किसी भी रेशनल नंबर को नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अंडरस्टैंड? रिमेनिंग क्वेश्चन डू योरसेल्फ। ओके, थैंक्स।